संगत जी, सचमुच वो दिन बहुत भाग्यशाली मैं मानती हूँ जिस दिन हम सब एक साथ बैठकर गुरु जी के सत्संग करते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। दिन भागा सत्संग ना लपे, सचमुच ये सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। ना जाने कौन से पुण्य कर्म है हम सबके, जो इतने पूरा दुनिया आज हम सब एक परिवार हो गए हैं, और कितनी भी दूर बैठे हैं चाहे, लेकिन सब सत्संग के द्वारा एक साथ जुड़ जाते हैं एक तार में। यूं लगता है कि हम सब एक साथ बैठे हैं, एक साथ जुड़े हैं और कर क्या रहे, गुरु का गुणगान। सचमुच जो कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। धरती सब कागज करूं, कलम करूं बन राई, स्याही सब समंदर करूं, तो भी शोभा लिखी न जाई। कबीर दास कहते हैं कि मैं गुरु की महिमा का गुणगान लिखने अगर बैठूं और सारी धरती को कागज बना दूं, सारे समंदर को स्याही बना दूं और सारे पेड़ काट कर उनको कलम बना दूं, फिर भी गुरु की महिमा लिखने बैठूं तो भी लिखी नहीं जा सकती। इतना उच्च स्थान है गुरु का। एक जन्म तो माँ बाप देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का जन्म गुरु देते हैं। जब गुरु का आशीर्वाद होता है तभी हमारी आत्मा का जन्म होता है। और गुरु जब तक हमें अपने चरणों में खुद ब खुद ही बुलाते हैं, हम तभी पहुंच पाते हैं। वरना ऐसी हमारी हमें इतनी शक्ति नहीं कि हम गुरु के पास पहुंच जाए, वो खुद ब खुद बुला लेते हैं हमें। आप सारी संगत को पता ही है कि गुरु जी ने किस तरह किसे किस बहाने से किस अपनी तरह किसी तरह उन्होंने सबको बुलाया। हम भी बॉम्बे से आए थे, हमें नहीं मालूम था गुरु जी के बारे में, लेकिन गुरु जी ने मेरे अंतर के ऑफिस में 6 बार मैसेज भेजा था और तब हम गुरु के दरबार में पहुंचे। जैसे ही मैंने जाके वहां माथा टेका तो गुरु जी ने कहा, हाँ तुम लोग को आना नहीं चाहते थे, मैंने तुम्हें खुद ब खुद बुलाया है, जबरदस्ती बुलाया है। और बिल्कुल सही था संगत जी। मैं तो जब पहली बार गई थी, गुरु जी के जब दर्शन किए थे, इतना अच्छा लगा था कि बस दिल करता था कि यहाँ हमेशा आऊं, रोज आऊं। पहले तो शुरू में तो गुरु जी किस कभी भी आप वहां पे दरबार में चले जाइए मंडे टू संडे कभी भी, लेकिन बाद में गुरु जी ने एक दिन फिक्स कर दिया था। और मैंने मन में तय किया कि मैं थर्सडे को गुरु जी के पास जाया करूंगी, और हर थर्सडे मैं गुरु जी के पास जाती थी। वहां जब गुरबानी बजती थी और सामने गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे होते थे, थोड़ी सी संगत होती थी, उस समय हॉल बस खाली भरता था, हम सब इतने प्रेम से गुरु जी की ओर देखते रहते थे जैसे एक चकोर देखता है चांद को। जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं उन्हें पता है उनका रूप क्या था उनका ऑरा, क्या थी उनकी महक, उनकी खुशबू। जब गुरु जी अपने रूम से निकल के आते थे ऐसा लगता था कि जैसे कौन से बगीचे के सारे फूल इकट्ठे करके ऐसी महक, तब ये खुशबू तो हमने कहीं सुनी नहीं, ऐसी महक लगता था कि बस ये हमारे अंदर समा जाए। मैं तो लंबे लंबे सांस लेने लगती थी, इतना अच्छा लगता था। चुपचाप से कोने में जाके बैठ जाती थी और गुरु जी कभी कभी मुस्कुरा के देखते थे तो दिल करता था हाय आज तो सब कुछ ही मिल गया। जब ईश्वर ने प्यार से देख लिया, मुस्कुरा दिया, और उनकी बहुत कृपा रही कि मैं 9-10 साल तक जो गुरु जी के पास जो भी समय बीता उनके चरणों में बीता। गुरु जी अपने पास बुला लेते थे और चरणों की सेवा दे देते थे,
तो मैं सब चरणों की सेवा करती थी। मैं ज्यादा गुरु जी के साथ कहीं गई नहीं। सर संगत जब भी सत्संग सुनती हूँ, उन लोग बताते हैं, सारी संगत से सुनती हूँ कि वो गुरु जी के साथ यहाँ गए, वहां गए, ये हुआ वो हुआ, तो बहुत खुशी होती है। और फिर सोचती हूँ, हाय मुझे भी ऐसा कभी ज्यादा मौका मिला नहीं कि मैं गुरु जी के साथ कहीं जाती, क्योंकि बच्चे छोटे थे परिवार में और मदर इन लॉ भी थी, घर भी देखना था, जिम्मेदारियां थी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाती थी। ये सब गुरु को पता था, इसलिए वो शायद बस अपने चरणों की सेवा के लिए ही बुला लेते थे और मैं बैठकर उनके चरणों की सेवा करती थी। संगत जी जब उनके चरण छूती थी तो मेरे हाथ बिल्कुल खुशबू से भर जाते थे और गुलाबी रंग के हाथ मेरे कलर हो जाते थे मेरे। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई रंग लगाया हुआ है। और जब घर जाती थी गाड़ी में बैठते तो भी वही गुरु जी के खुशबू उन हाथों में समाई होती थी और मैं सूंघते सूंघते जाती थी। बहुत अच्छा लगता था। और फिर अगले थर्सडे का इंतजार करने लगती थी कि कब थर्सडे आएगा और फिर कब गुरु जी के दर्शन होंगे। बस ऐसे ही समय बीतता गया। गुरु जी के दरबार में जो भी शब्द बजते थे वो गुरु जी खुद चुनते थे, उनका सिलेक्शन गुरु जी खुद करते थे। एक बार मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी, एक अंकल आए, उनके पास काफी सीडी थी, सीडी लेके आए थे। तो गुरु जी ने कहा, पूछा की ले आया, तो उन्होंने कहा, गुरु जी ये ना भजन ना दे कैसे के आए हैं, भजन बड़े सोने सोने भजन है, ये ना कह सकता इन्हना अपने घर सुनिया कर, ठीक है, इथे गुरबानी सुनियो, भजन जेड़े हैगे लोका ने लिखे है, लेकिन गुरबानी महापुरुषा ने लिखी है, इसलिए ऐसे गुरबानी सुनो। गुरबानी तो आपको पता है संगत जी, जब बजती है अगर हम ध्यान से सुने, मन लगा के सुने, जो रस बरसता है उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और आपने वो शब्द तो सुना ही होगा, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, देह रस बिसर गए रस और। ये कौन सा रस है? हम तो जानते हैं बादल पानी लेके आते हैं, वो बरसते हैं, वो बारिश होती है, लेकिन जब सत्संग में हम लोग सब बैठते हैं तो जो गुरबानी का रस बरसता है, अमृत बरसता है, वो है राम रस, जो हमारी आत्मा की खुराक होती है और जिसे सुनकर सचमुच मन झूम जाता है और हमारे अंदर के जो भी विकार हैं वो सब धुल जाते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे, अपने मन दे भांडे नु साफ रखो। कहने का मतलब है कि हमें अपने मन को साफ करना है, सारे विकार सारी बुराइयां तो इस मन में ही भरी हुई हैं, लेकिन हम जिस मन को कैसे साफ करें? ये साफ होगा गुरु के चरणों की धूल से। उस धूल से हमें इस बर्तन को रोज चमकाना है, साफ करना है। विकार आएंगे लेकिन फिर उन्हें निकालना है और उसको भरना है गुरु की श्रद्धा प्रेम भक्ति से। वहां गुरु जी के दरबार में जब हम बैठते थे तो मैं देखती थी कभी कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख दर्द दूर नहीं हुआ। गुरु जी कहते थे, तुम लोग सब तो फंसे फंसाए आते हो, मुझसे मिलने कौन आता है? बहुत कम लोग हैं जो मुझसे मिलने आते हैं। हम सब मतलब के साथ जाते थे, सब सुनते थे कि हाँ वहाँ चलो गुरु जी के दर, कोई गुरु जी है वहाँ जाके सब कुछ ठीक हो जाता है, हर बीमारी दूर हो जाती है। सब लोग बस अपनी परेशानियां लेके ही आते थे। कई बार तो गुरु जी, मैं गुरु जी के चरण दबा रही होती तो कोई गुरु
आते कोई संगत आती थी गुरुजी कुछ कहना चाहती थी, चलो उठ जाके बैठ जाओ, मैं कोई दुकान नहीं खोली हुई थी। सचमुच हम सब यही समझते हैं कि बस गुरु के दरबार में जाएं, माथा टेकें, अपनी परेशानी बताएं, गुरुजी बस फट से दूर करते। ऐसा नहीं होता, हमें अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। बहुत मैंने और गुरुजी एक दिन बिरला बैठे हुए थे, तो गुरुजी कहते देख मलिया आंटी, देख कि हाथ जोड़ के सिर नीचे करके नीवे करके बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, यदि दफ्तर जाओ ना घंटा घंटा बाहर बिठा के रख दिया लोग, हूं ऐसे देख कि सीधा बनिया हुआ है। गुरुजी को ना हौमे बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमें जो अहंकार है ना वो गुरुजी हमेशा कहते थे जूती और ये जो हमें अपनी हौमे है इसे बाहर छोड़ के आना चाहिए। हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, सेवा भी करते हैं, तब भी हमें हौमे आ जाती है। गुरुजी कहते थे ज्यादा पाठ ना करिया करो, हौमे आ जाती है। ये बात सच है, हम लोग सब एक एक घंटा बैठ के पाठ करते हैं या शब्द गुरबानी सुनते हैं या जो भी हमें अच्छा लगता है करते हैं, लेकिन फिर मन में ये ख्याल भी आता, देखो आज तो मैंने एक घंटा शब्द गुरबानी सुनी, इतनी देर गुरुजी के पास बैठ के पूजा पाठ की, ये सब किया। तो गुरुजी हमेशा कहते थे पाठ हमें चल दे फिर दे उठते बैठते करिया करो, कोई टाइम नहीं है, किसे वेले भी मैनू याद कर लो, मैं थोड़े नाल होवांगा। और संगत जी ये बात सच है, बस दो मिनट भी चाहे आप मन लगा के गुरु जी का ध्यान करके बैठ जाइए, आपको आपके अंदर इतना अच्छा लगता है, अपनी शांति मिलती है। मैं तो सुबह शाम गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठ जाती हूँ और जैसे मैं आप सब से बात कर रही हूँ ऐसे ही गुरु जी से बात कर लेती हूँ, कुछ भी हो दुख हो सुख हो सब उनसे बांट लेती हूँ। कहीं जाती हूँ तो भी कहती हूँ गुरु जी आप मेरे साथ चलिए, कुछ भी रात को सोने से पहले उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आज का दिन आपने इतना सुंदर बिताया, या कोई तकलीफ भी आई या कोई परेशानी भी हुई तो भी भरोसा है था कि गुरु जी तो है ना, कोई बात नहीं, ये दुख तकलीफ भी चली जाएगी, विश्वास होना चाहिए गुरु पंडित जी। और गुरु जी हमेशा कहते थे ना थोड़े च शक्ति हैगी, ना थोड़े च भक्ति हैगी, ना थोड़े च कहते श्रद्धा हैगी, कुछ नहीं है, मैं दवांगा सारा कुछ, मैं दवांगा तभी थोड़े अंदर ये सब चीजा आन गया। एक दिन संगत जी मैं गुरु जी के दरबार में गुरु जी के पास बैठी थी और दूसरी तरफ एक और आंटी बैठी हुई थी, वो भी चरण सेवा कर रही थी, मैं भी चरण सेवा कर रही थी। इतने में गुरु जी के पीने के लिए कुछ आया और गुरु जी का गिलास हमेशा ढका हुआ होता था, हमें नहीं पता चलता था कि गुरु जी क्या पी रहे हैं, और गुरु जी ने पीना शुरू कर दिया। मैं चरण दबाई के थोड़ा सा गुरु जी ने प्रसाद अपना पी के वो जो आंटी थी उनको दे दिया वो गिलास। गुरु जी कई बार अपना प्रसाद आधी चाय या जो भी पीते थे उनकी मौज होती थी तो वो किसी संगत को भी जिनको भी वो समझते थे ठीक समझते थे उनको दे देते थे। तो वो आंटी ने ना वो जो भी गुरु जी ने उनको दिया वो पीने लग गई। मैं भी चरण दबा रही थी, मैंने कहा देखो मैं भी तो चरण दबा रही थी, गुरुजी ने मुझे नहीं दिया, शायद मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि गुरुजी का अमृत मुझे मिले, अभी मुझ में कुछ कमियां होंगी जरूर। कोई बात नहीं, वो आंटी ने पी के उसके वो ग्लास रखने रसोई में चली गई और आके फिर चरण दबाने लग गई मेरे साथ ही बैठी हुई थी। इतने में थोड़ी देर बाद गुरुजी के पीने के लिए कुछ और आया और गुरुजी ने पीना शुरू करा। अब तो मेरी नजर उस गिलास पे ही थी, सिर तो नीचे था लेकिन धीरे धीरे आंखों से ऊपर करके आंखों को ऊपर करके देखती थी कि शायद गुरुजी मुझे दे दें, शायद गुरुजी मुझे भी दे दें। इतने में गुरुजी मैंने देखा
पूरा गिलास गुरुजी ने ऊपर पी लिया उसको। तो पीने के बाद मुझे इस मेरे तरफ को गिलास कर दिया। मैंने सोचा गिलास खाली हो गया है तो कह रहे हैं कि किचन में रख के आओ। और मैं गिलास पकड़ के जैसे उठने लगी, मैंने देखा नहीं कुछ भी कि उसमें है या नहीं है, मैं उठने लगी तो गुरु जी कहते पीला। मैंने कहा पीला? मैंने गिलास में देखा आधा गिलास ऑरेंज जूस से भरा हुआ था। मैंने कहा गुरु जी ने तो सारा पी लिया था, इसमें आधा गिलास जूस अभी भी पड़ा है। और खूब ठंडा बर्फ डली हुई थी, ऑरेंज जूस वो मैंने पिया। एक दिन ऐसे गुरुजी फिर पी रहे, कुछ पी रहे थे, मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे। तो बेटी कहती मम्मा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुझे पता नहीं क्या पी रहे हैं। मैंने उसको चुटकी काटी, मैंने कहा चुप। तो गुरुजी ने फट अपना गिलास मेरी बेटी की तरफ बढ़ा दिया और कहते हैं ले देख ले मैं की पी रहा। और उसको वो गिलास दे दिया, उसमें कॉफी थी, वही कॉफी की खुशबू आ रही थी उसको। तो इसीलिए उसने कहा कि मामा गुरुजी क्या पी रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो उनसे तो कुछ छुपा नहीं होता है, सब गुरुजी जानते हैं, जानी जान है। और गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस गुरुजी तो अपनी गद्दी पे चुपचाप से बैठे रहते थे। किसी संगत को बुला के कुछ बात कर लेते थे तो कोई बोलता था, नहीं तो सब चुपचाप से बैठे रहते थे। एक दिन मेरे को, मुझे कई बार गुरुजी ने कहा चल खड़ी हो जा डांस कर। संगत जी मेरी ना राइट लेग जो है उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैं बहुत धीरे धीरे ही चल पाती थी। तेज चलना और डांस करना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो लेकिन गुरुजी ने कई बार मुझे कहा चल खड़ी हो जा डांस कर। तो मैं कहती गुरु जी टांग टूटी हुई है, कोई गल नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक, डांस कर। और मैं डांस करती थी, जैसा भी हो सकता था वैसा करती थी। हमें गुरु की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, चाहे गुरु कुछ भी कहे, वो हमसे हो या ना हो, हमें लेकिन करने की कोशिश करनी चाहिए। ना भी होगा तो गुरु जरूर करवा देंगे, अपने आप करवा देंगे। इतनी मेहर होती है गुरु के आज्ञा पालन करने। एक बार गुरुजी ने मुझे कहने कहा अगले महीने ना अंकल लखनऊ जाएगा तो तू नाल जरूर जाई, लखनऊ घूम के आई, ऐश करके आई। तो मैंने कहा जी गुरुजी, अभी तक तो कोई इनका कोई प्रोग्राम नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था कि इनको लखनऊ जाना है। तो एक महीने बाद बिल्कुल ठीक इनके लखनऊ जाने का प्रोग्राम बन गया, लेकिन मैं नहीं गई। गुरुजी ने कहा था, उनके आदेश का मैंने पालन नहीं किया और मैं नहीं गई। संगत जी ये वहां एयरपोर्ट से निकले हैं और इनकी तबीयत खराब हो गई लखनऊ पहुंचते ही, और सीधे इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। वहां चार पांच दिन रहे और मुझे बोल दिया, किसी फोन करके इन्फॉर्म करवा दिया कि बहुत बिजी है, मीटिंग है इसलिए बहुत बिजी है, बात नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन 5-6 दिन बाद जब ये लौटे तो बोले मैंने तो मीटिंग एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं तो आईसीयू में था। मैंने कहा अच्छा फिर अब क्या करना है? कहते मैं तो दिल्ली में तो अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा नहीं, मैं तो बॉम्बे जाऊंगा। संगत जी हम 11 साल बॉम्बे रहे थे तो इनके डॉक्टर सारे जान पहचान के वहां पे बॉम्बे में थे, तो ये बोले मैं तो बॉम्बे ही जाऊंगा। और जब हम इनके साथ बॉम्बे पहुंचे, जाने से पहले ये कहते इससे पहले कि हम होटल में जाएं, एक बार मैं डॉक्टर जो उनके हमारे डॉक्टर थे उनसे मिलना चाहता हूँ और कल की अपॉइंटमेंट ले लेना चाहता हूँ। हम बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जैसे ही उनके रूम में पहुंचे उन्होंने फट से कहा फटाफट आप आईसीयू में आपको हम भर्ती कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे हम लोग तो अच्छे भले आए हैं, इनको कुछ भी नहीं था और अब इनको एकदम से आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं। और फटाफट उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया और जो भी ट्रीटमेंट का शुरू होना था वो होने लगा। इधर पाइप उधर पाइप, इधर ये इंजेक्शन ये वो सब कुछ
मैं तो बिल्कुल अकेली थी, घबरा गई। लेकिन वहां से चलने से पहले मैंने एक छोटी सी गुरुजी की फोटो गुरुजी ने मुझे दी थी, वो मेरे हाथ में ही थी, पर्स में थी, और उस समय मैंने अपने हाथ में लेके मैं वो फोटो बैठी रहती। आईसीयू में सुबह 8 बजे मैं पहुंच जाती थी और रात के 8 बजे तक बैठी रहती थी। 8-10 दिन हो गए तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मिसेस माली, नाउ यू प्रे टू गॉड। मैंने कहा कि मैंने अपने मन में सोचा इतनी तबीयत खराब है इनकी कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं। मैंने फट से अपने हाथ में मेरे जो मेरे गुरुजी की तस्वीर थी मैंने उनको दिखाई। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। संगत जी, ऐसी शक्ति दी हुई थी गुरुजी ने, ऐसी शक्ति कि मैं बिल्कुल नहीं घबराई। मुझे विश्वास था इनको कुछ नहीं होगा, मेरा गुरु मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे साथ है। नेक्स्ट डे मैंने अपने एक आंटी को फोन किया जो गुरुजी के पास जाती थी, तो मैंने कहा जाके ना बोल देना गुरुजी को कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मलिया आंटी का फोन आया था। तो नेक्स्ट जब शाम को वो गई, गुरुजी को माथा टेका और बताया कि गुरुजी मलिया आंटी का फोन आया, तो गुरुजी ने कहा हाँ मुझे सब पता है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ अपना कनेक्शन बना के रखा था। हमें तो वो शक्ति नहीं कि हम उनके साथ कनेक्शन बना सकें, उनकी कृपा थी। और नेक्स्ट डे से धीरे 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 इनकी तबीयत में काफी इम्प्रूवमेंट होने लगा और 20 दिन बाद इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और हम वापस दिल्ली आए। दिल्ली आते ही मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ गुरुजी के मंदिर गुरुजी का थैंक्स करने। कहते हाँ तुम चले जाओ, मैं अभी बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है। मैं गई एम्पायर स्टेट में, उस दिन दरवाजा बंद था, अभी 7:30 बजे मैं पहुंच जाती थी, बिल्कुल 6:30 बजे घर से निकलती थी और पूरा 1 घंटा लगता था एम्पायर स्टेट पहुंचने में। ठीक 7:30 बजे तक मैं एम्पायर स्टेट पहुंच जाती थी। कई बार तो दरवाजा खुला होता था और कई बार दरवाजा बंद होता था, और हम लोग जो भी संगत आती थी बाहर ही बैठे रहते थे और टकटकी लगाए दरवाजे को देखते रहते थे कि कब दरवाजा खुले, कल कब हम अंदर जाएं और गुरुजी के दर्शन करके अपने मन को शांत करें। बैठे बैठे थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, गुरुजी तब अपने रूम में ही थे, बाहर नहीं आए थे। चुपचाप से जाके बैठ गई। गुरुजी थोड़ी देर बाद आए, अपनी गद्दी पे बैठे, सब उठ के उनको प्रणाम किया। मैं माथा टेकने गई जैसे ही, कहते हाँ अंकल नो न्यू लाइफ देनी सी, ऐसे लिए थानु बुलाया सी। मैंने कहा जी गुरुजी बिल्कुल नई लाइफ ही दी है आपने गुरुजी, डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था, न्यू लाइफ ऐश करो। और मैं चुपचाप से बैठ गई। थोड़े दिनों बाद ये भी गए मेरे साथ गुरुजी के माथा टेकने बैठ गए। तो उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी ना दोनों पैर अपने ऊपर करके गद्दी पे बैठे हुए थे चौकड़ी मार के, तो मुझे कहते धीरे से, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि गुरुजी के ना दोनों चरण नीचे कर दूं, गुरुजी के पैर नीचे कर दूं। लेकिन ये क्या बोल रहे हो, गुरुजी से कुछ छुपा नहीं होता था। गुरुजी एकदम से कहते आजा इधर आजा। गुरुजी ने इनको बुला लिया, अपने दोनों पैर नीचे कर दिए, चल सेवा कर ला, और ये सेवा करने लग गए। संगत जी, ये ना बहुत देर तक बिना ढासना के बैठ नहीं पाते थे, तो चरण दबाते दबाते थोड़ी देर बाद कहने मुझे इशारा करे तुम माँ के चरण दबा लो। जैसे उन्होंने मुझे इशारा किया, गुरुजी को पता चल गया। गुरुजी का ठीक है, चल चल तू जाके बैठ जा, मलियान की सेवा करन, और मैं गुरुजी की चरणों की सेवा करने लगी। संगत जी, अभी मैं जैसे आंटी का भी सत्संग सुन रही थी, तो वही उन्होंने कहा कि गुरुजी मन की छोटी से छोटी बात भी जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ छुपा नहीं है।
और इसलिए हमेशा गुरु जी कहते भी थे मैनु कुछ कहने की लोड़ नहीं, मैनु सब पता है, वो तो अंतर्यामी है। सचमुच ईश्वर क्या है, कैसा होता है, ये हमने देखा है। उस समय शायद समझे नहीं हम, लेकिन हाँ इतना है कि हमने देखा है ईश्वर को कैसा होता है, कितना कृपालु, कितना दयालु वो है। ईश्वर है ही इसलिए कि हम सबके दुख दूर करें। वो कभी हमें कोई तकलीफ नहीं देते, हमारे कष्टों को हमेशा दूर ही करते हैं। गुरु जी कितना पाठ करते थे और सारे कष्ट अपने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, और फिर उनकी खुद की तबीयत खराब हो जाती थी। कई बार गुरु जी कहते थे किसी संगत को मेरा सिर दबाओ, किसी कभी कहते थे मेरे कंधे दबाओ, कभी कहते थे मेरे चरण दबाओ, जोर से दबाओ, जोर लगाओ, इतनी तकलीफ होती थी उनको। और सचखंड एक बार अरुण शूरी जी एक दूसरी तरफ चरण दबा रहे थे और इस तरफ मैं बैठी हुई थी, हम दोनों चरण दबा रहे थे, उनका सर भी नीचे था, मेरा भी सिर नीचे था। इतने में मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम दोनों ने ही देखा नहीं, हम दोनों के सर नीचे थे, गुरु जी ने सचखंड खंड का प्रसाद इतना बड़ा मिश्री का जैसे एक बॉल होता है ना बड़ा सा, वो अरुण शूरी जी के हाथ कहा ये ले। उनका सर नीचे था, उनको पता नहीं क्या, उनकी गुरुजी उनको समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी के हाथ में इतनी बड़ा मिश्री का लड्डू जैसा मैंने कटोरी पूरी थी, उन्होंने उनको दिया। तो जैसे ही वो पकड़ने लगे, उनके हाथ से वो जो मिश्री का बॉल के जैसा था वो गिर गया। उस बॉल के अंदर एक छोटी सी कटोरी बनी हुई थी, उस कटोरी में बूंदी का लड्डू था, पीले रंग के बूंदी का लड्डू। और जैसे ही वो मिश्री का गोला नीचे गिरा, वो दो टुकड़े हो गया, दो कटोरियों के जैसे हो गया, और उसमें से लड्डू जो था वो नीचे कारपेट पे गिरा और चूर चूर हो गया। तो उन्होंने फट से अपने पॉकेट में से रुमाल निकाला और वो सारा प्रसाद जो था उसमें रख लिया, और जितना वो समेट सकते थे समेट लिया। लेकिन फिर भी कारपेट पे बहुत सा दाने थे, वो लग पड़े थे। एक दाना मैं धीरे से मैंने भी उठाया, बाकी संगत भी आके वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद जो कारपेट पे था सब खाने लगी, लेके जाने लगी। मैंने इनको भी दिया वो एक बूंद, एक छोटा सा लड्डू का दाना। ये कहते मैंने उसे मुंह में डाला और मुझे ऐसी खुशबू आई। सचखंड का प्रसाद कई बार गुरुजी ने दिया है संगत को, बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हम सब ने उनकी लीलाएं देखी हैं, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हैं। किसी का कैंसर, किसी का हार्ट पे ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के हार्ट ठीक कर दिया, कैंसर ठीक कर दिया, स्किन कैंसर, लिवर सिरोसिस, कौन सी बीमारी उस दरबार में ठीक नहीं हुई। गुरु जी कहते थे यहाँ जो कुछ भी होता है वो प्रैक्टिकल होता है और बाय चांस नहीं होता है, बाय चॉइस होता है। एक बार वहां प्रणब मुखर्जी आए हुए थे, तो वो बैठे थे, तो गुरु जी ने कहा मुझे कहा इन्हू सुना महापुरुष के हुंदे सारी गल्ला दस चंगी तरह, वट कट दे दे, मतलब वट कट दे मतलब मन में जो भी शंकाएं हैं ताकि वो दूर हो जाएं। तो मैंने उनको अपना सत्संग, अपनी लाइफ जर्नी, जो भी मेरे साथ हुआ था सारे एक्सपीरियंस सुनाए उनको, उनको बहुत अच्छा लगा, खुश हुए। फिर 9:30 बजे लंगर का गुरु जी ने आज्ञा दे दी, लंगर लग गया और प्रणब मुखर्जी मेरे सामने बैठे थे, मैं इस तरफ थी ऑपोजिट के, और मेरे बगल में एक अंकल बैठे थे और प्रणब मुखर्जी के बगल में उनका ड्राइवर बैठा हुआ था। अब जैसे ही लंगर, आप सबको तो पता ही है गुरु जी के दरबार में एक थाली में चार लोग एक साथ मिलके खाते हैं, ऐसा मैंने सिर्फ गुरु जी के दरबार में ही देखा है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब बराबर हैं, सब एक साथ मिलके बैठ के खाओ। अब आप सोचिए
उस ड्राइवर की हालत, वो कैसे बिखाए अपने बॉस के साथ थाली में, वो चुपचाप से बैठे हुए थे, कुछ खा ले ही नहीं रहे थे। तो मैंने एक रोटी उठा के उनके हाथ में दी, मैंने कहा आप भी खाइए। तो बेचारों ने बहुत शर्म से धीरे धीरे खाया। इसलिए गुरु के दरबार में एक ये हमें लेसन सीखना है, ये हमने गुण सीखा गुरु जी से कि हमें सबसे सबको एक बराबर समझना चाहिए, समदृष्टि, गुरु जैसे गुरु की समदृष्टि हम सब पे है। एक बार भिंडरांवाला बैठे हुए थे, तब एक अंकल ने पूछा गुरु जी तुसी भिंडरांवाला नू भी बैठा के रखा, एदा भी कल्याण करोगे? तब गुरु जी ने कहा था जो भी मेरी शरण में आ जाता है मुझे उसकी उसका कल्याण करना ही है, मेरे लिए सब बराबर। सचमुच संगत जी, गुरु की दृष्टि हम सब पे एक बराबर पड़ती है, एक जैसी है। सत्संग जितने सुनो, कहते सत्संग सुनने और सत्संग करने दोनों में ही कल्याण है हमारा। इसलिए जब भी जिसे जहां भी चाहे दो लाइन बोलने का ही मौका मिले उसका गुणगान जरूर करिए, जरा सा भी झिझकिए नहीं। हम सोचते हैं कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमें ठीक से बोलना नहीं आता, वो खुद ब खुद बुलवाते हैं। नई बार मैं भी कई बार सोचती हूँ आज मैं ये बोलूंगी आज वो बोलूंगी, लेकिन जब सत्संग करने बैठती हूँ कुछ भी नहीं बोला जाता, जो गुरु जी बुलवाते हैं हम वही बोलते रहते हैं। एक बार मुझे बुखार था तो मैं गुरु जी के फिर भी थर्सडे को जाना था तो मैं तैयार हो रही थी, इतने में मेरे अंकल ऑफिस से आए, कहने लगे कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि गुरु जी के जा रही हूँ। अरे तुमको तो बुखार है ना, कोई जरूरत नहीं जाने की, चुपचाप से घर में बैठो। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ तकलीफ हो जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं, तकलीफ तो वहां जाने से ही दूर हो जाएगी, बुखार तो वहां जाके लंगर खाऊंगी, गुरु जी को देखूंगी, बस अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा हाँ दिमाग तो खराब हो गया है, लेकिन मुझे तो जाना है। तब थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये भी तैयार हो रहे हैं, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आपकी मर्जी, और हम दोनों चले गए। जैसे एम्पायर स्टेट पहुंचे कोई संगत नहीं आई थी, सिर्फ मैं और मेरे अंकल चुपचाप से हॉल में बैठ गए। गुरु जी के रूम का दरवाजा भी बंद था और चुपचाप से हम लोग बैठे हुए थे, अभी शब्द भी नहीं चल रहे थे। 5 मिनट बाद कोई अंकल आए गुरु जी के रूम में से, बोले आंटी आपको गुरु जी बुला रहे हैं। मैंने कहा अरे, मन में सोचा अरे गुरु जी को पता भी चल गया कि मैं आ गई हूँ। और वो पहला दिन था जब गुरु जी ने मुझे बुलाया था और मैं गुरु जी के रूम में एंटर कर रही थी। मैं उस दिन गुरु जी के लिए मोगरे के फूल लेके गई थी, तो वो मैंने अपने हाथ में फटाफट पकड़े दोनों हाथों में और गुरु जी के रूम के दरवाजे पे जाके चुपचाप से खड़ी हो गई कि गुरु जी से आज्ञा मिलेगी तभी अंदर जाऊंगी। गुरु जी कहते इशारे से कहते आजा आजा, तो फिर मैं अंदर गई। हाँ की लिए आई है? मैंने कहा गुरु जी आपके चरणों के लिए ये फूल लाई हूँ थोड़े से, चल फिर चढ़ा दे। मैंने वो फूल गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिए, बैठ जा, बैठ गई। इतना प्यार करते हैं ना गुरु जी, इतना प्यार करते हैं सबको सबको, कोई संगत ऐसी नहीं है जो कह नहीं सकती कि गुरु जी प्यार नहीं करते। सबके अनुभव इतने सुंदर हैं गुरु जी के अपने अपने, तो वही है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बस भाव होने चाहिए संगत जी, भगवान तो कुछ देखते ही नहीं है। अब मैं भी जाके फिर गुरु जी के चरणों में बैठ गई। इतने में गुरु जी ने कहा चल सेवा कर, तो मैं गुरु जी के चरण दस सेवा करने लग गई। मैं जाने कौन से पुण्य कर्म है गुरु संगत जी जो गुरु जी ने अपने चरणों की सेवा दी। और
ना जाने कौन से मेरे कष्ट काटे उन्होंने, कभी अपना हाथ दे देते, कभी चरण दे देते, फिर कभी अपना हाथ दे देते, फिर कहते आंटी ये जरा मेरा सोफा है ना, ये देख लकड़ी सूंघ के देख। संगत जी मैं उठ के सोफे की तो लकड़ी की हैंडल था जहां गुरु जी ने हाथ रखा हुआ था वो मैंने सूंघी, वो लकड़ी भी बिल्कुल ऐसे थी, वही गुरु जी की खुशबू से सारी खुशबू उसमें समाई हुई। सचमुच गुरु चंदन है, गुरु पारस है, जिसको भी छू देते हैं वो सोना हो जाते हैं, जिसे भी छू देते हैं वो महक उठता है। तो मैं सेवा करती, फिर गुरु जी कहने लगे मल्ली आंटी आज तो मैंने तैयार करी, मैं बिल्कुल हक्की बक्की होगी कि गुरु जी को कैसे तैयार करते हैं, मैं तो गुरु कुछ नहीं जानती, आज पहली बार तो गुरु जी के कमरे में आई हूँ और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद गुरु जी उठे और रेस्टरूम में चले गए और मुंह हाथ धो के आए, कहते चल मेरे कपड़े दे। मैंने चारों तरफ देखा तो बिस्तर के ऊपर ड्राई क्लीन से कपड़े आए थे, वो ब्राउन पेपर में लिपटे हुए थे। तो मैंने कहा यही होंगे कपड़े, मैंने धागा खोल के देखा तो पीले रंग का जोड़ा था, अंदर बहुत सुंदर वो गुरु जी का चोला था। तो मैंने गुरु जी को, और ऐसी खुशबू तो आप सबको तो पता ही है क्या खुशबू है वो, मैंने खोल के गुरु जी को दिया, गुरु जी ने पहने वो कपड़े, अपने चोले पहने, जो भी कहा उन्होंने मैंने वैसे करती गई। गुरु जी के वहां पे दूसरे जोड़े जूते पड़े थे, गुरु जी ने स्पोर्ट्स शू उतार के फिर वो जूते मैंने उनको दिए, वो पहने, फिर गुरु जी का बिस्तर वगैरह ठीक किया, जो कपड़े उतारे थे उन्होंने वो मैंने तय करके वहां पे वहीं पे बिस्तर पे रख दिए। और फिर गुरु जी ने कहा फिर मल्ली आंटी चलिए, मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा, चलो फिर बाहर चलते हैं। मैंने कहा जी गुरु जी, और हम बाहर चले गए। गुरु जी जाके गद्दी पे बैठ गए और मैं भी चुपचाप से बैठ गई। एक बार वहां पे एक आंटी ने बताया था कि गुरु जी ने ना उनको अपने सारी शर्टें दी थी प्रेस करने के लिए और बोला था जा ऊपर ले जा और सारी शर्टें प्रेस करके लाओ। तो आंटी बता रही थी कि मैं कपड़े लेके गुरु जी के ऊपर गई, कपड़े प्रेस कर रही थी, उसमें एक शर्ट जो थी बहुत पतली थी, एकदम इतना पतली कपड़ा उसका बहुत सॉफ्ट था। तो कहते मुझे ना ऐसे लगा कि मैं प्रेस रखूंगी और ये कपड़ा जल ना जाए, तो कहते मैंने वो वाली शर्ट प्रेस नहीं करी और तय लगा के ऐसे उन बाकी शर्टों के बीच में रख दी और सारी जो पूरा ढेर था गुरु जी की जितनी भी शर्टें थी सारी लेके हाथ में नीचे आई। गुरु जी कहते हाँ फिर हो गए कपड़े प्रेस। मान जी कहती हाँ जी गुरु जी दिखा इधर लिया, सारे कपड़े उनके हाथ में उन्होंने पकड़े हुए थे, गुरु जी के सामने रख दिए। शर्ट एक एक शर्ट गुरु जी उठाते रहे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे ही वो वाली शर्ट आई जो प्रेस नहीं की थी आंटी ने, ये प्रेस नहीं हुई ठीक तरह, इन दोबारा प्रेस करके लिया। तो संगत जी गुरु जी से कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ वो जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी करें, जो भी सोचें, ये समझ के करें कि गुरु जी तो सब देख रहे हैं, गुरु जी को पता है, तो हम कभी कुछ बुरा सोच भी नहीं सकेंगे और ना ही बुरा कर सकेंगे। गुरु जी सेवा को बहुत महत्व देते थे। सेवा हमें अगर मिल जाए तो खुद को भी बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, लेकिन हमने सेवा को सिर्फ मंदिर तक सीमित कर दिया। हाँ मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, लंगर बनाना या मंदिर तक कोई भी सेवा सेवा है। जी नहीं संगत जी, गुरु जी कहते थे सेवा अपने करो, शुरू करो, घर में सेवा करो फिर मेरी सेवा ही हो जाएगी। ये बात सच है संगत जी, घर को नेग्लेक्ट करके हम बाहर जाके सेवा करें तो वो गुरु जी को पसंद नहीं आएगी।
पहले हमें अपने घर वालों की सेवा करनी है, उनको खुश करना है। गुरु जी कहते थे जिस परिवार में प्यार है, मोहब्बत है, सब चंगी तरह रहते हैं, मोहब्बत देना, प्यार देना, आपस मिलन मिलनसार है, मैं उना दे विच ही रहना है, वो मेरी सेवा ही हुंदी है। तो इसलिए संगत जी, सेवा कहीं भी कैसी भी मिले उसे करिए, वो गुरु जी परवान चढ़ाएंगे उस सेवा। मैं भी फरीदाबाद में थी, तो अभी तो मैं फिलीपींस में हूँ, फरीदाबाद में थी तो 15-20 साल मैं ओल्ड एज होम जाती रही। उसके पहले ऑर्फनेज बच्चे थे, जो अनाथ बच्चे, उनके स्कूल में जाती थी, वहां जाके उन बच्चों के साथ मिलके बैठ के गेम्स खेलना, उनके साथ उनको गाना सिखाना, अच्छी अच्छी कहानी की किताबें पढ़ना, बहुत अच्छा लगता था। फिर जब ओल्ड एज होम जाने लगी, वहां सेवा का मौका मिला, इतना अच्छा लगता था, उनके चेहरों पे जब मुस्कान आती थी तो लगता था कि हाँ सचमुच ईश्वर तूने इस काबिल को बनाया कि हम किसी के चेहरे पे इस मुस्कान ला सके। उनके साथ समय बिताने में इतना अच्छा लगता था, और वो इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं कि हमारी झोलियां भर जाती थी उनकी दुआओं से। सचमुच कभी किसी के लिए कुछ करके देखिए, आपको जो ब्लेसिंग्स है ना वो डबल मिलती है। और मैं तो कहती हूँ यही ब्लेसिंग्स जो हमें किसी के लिए कुछ करके, खुशी देके, सेवा करके मिलती है, वो हमारा बैंक बैलेंस है। रुपये पैसे बैंक बैलेंस नहीं। वो जब तकलीफ होती है रुपये पैसे काम नहीं आते, ये ब्लेसिंग्स काम आती हैं। और हमें ये ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई करनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए कि ब्लेसिंग्स मिलती रहें, गुरु जी हमारे काम को देख के खुश हो और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे। हम लोग तो हमेशा कहते रहे गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हम करें क्या, करते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स दे। हमें गुरु जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, गुरु जी ने जो हमें सिखाया है वो सीखना है, प्यार मोहब्बत सेवा दुख दर्द बांटना, अहम को निकालना, सबसे जो मैं तो कहती हूँ जो सबसे बुरी आदत है वो है अहम होम में, वो निकल जाएगी तो समझिए आधा काम हो गया। मैं वहां जब गुरु जी के पास बैठती थी तो बहुत आंखों से बस आंखें बरसती ही रहती थी, कितनी बार बार रुमाल से पोछती थी। एक दिन गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी तो मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा गुरु जी आपके दरबार में बैठ के ये आंखें बहुत बरसती हैं, गुरु जी बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन रुकती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? गुरु जी कहते ये तेरा वैराग है, तेरी आत्मा जब परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पती है। सचमुच सामने ईश्वर बैठे होते थे और हम उन्हें देखते थे, सचमुच दिल करता था कि हम चकोर बन जाए, बस ये पलके एक पलके भी ना के लिए भी ना जीते, और मछली की तरह हम सचमुच तड़पते हैं, सारी संगत मछली की तरह ही तड़पती है अपने गुरु के लिए। हमारे गुरु हैं ही ऐसे, क्या कितनी उनकी मतलब कुछ कहने रहो लगो तो शब्द ही नहीं मिलते हैं। और फिर कई बार 9:30 बजे जब लंगर लगता था तब गुरु जी कवाली पंजाबी गाने बहुत सुंदर सुंदर मजेदार लगा देते थे, और कई बार ये गाना लगता था कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विच रब दिसता, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा कि तेरे विच रब दिसता। जब ये गाना बजता था तो सचमुच इतना आनंद आता था कि लगता था कि ये गाना गुरु जी के लिए ही बना है।
एक बार क्या हुआ कि अंकल की तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा चलो तुम लंगर खा लेना, वहां पे गुरु जी को दर्शन कर लेना, तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते नहीं, तुम जाके बोल दो, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा चलते तो अच्छा ही होता। कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम बोल देना गुरु जी अंकल की तबीयत ठीक है। मैं गई तो गुरु जी वॉक करके आए थे और किचन के पास ही बैठे हुए थे। मैंने प्रणाम किया और हिम्मत करके पास जाके बोला, मैंने कहा गुरु जी आज ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी जोर से उन्होंने डांट के कहा, फिर मैं की करा जब आ जाओ थे। सारी संगत मुझे देखने लगी कि आज तो मलिया आंटी को डांट पीटी है। लेकिन संगत जी, वो डांट भी अमृत है हमारे लिए, उस डांट में ही हमारा कल्याण है। गुरु अगर कुछ कह भी दे तो उसमें हमारे कितना कल्याण है वो उन्हें ही हम नहीं जानते, उनको पता है। और मैं चुपचाप से बैठ गई उस दिन, चुपचाप से। गुरु जी ने चरण सेवा के लिए भी नहीं बुलाया, और जब लंगर खा के माथा आज्ञा मिली तो मैं जाने लगी। कहते इधर आ, मैंने कहा जी गुरु जी। किचन चना अंकल ने रोटी तो सब्जी रखवाई है, लेके जाई खिला दे उन्हों, ठीक हो जाएगा। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा देखो एक तरफ तो डांटते हैं और दूसरी तरफ कितने प्यार से अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं किचन में गई, एल्युमिनियम फॉइल में दो रोटी और गोभी आलू की सब्जी पैक होके रखी थी, मैं लेके गई, जाके उनको दी। मैंने कहा देखिए आप तो गए नहीं, गुरु जी ने आपके लिए घर बैठे प्रसाद भेजा है, शुक्राना गुरु जी का। मैंने कहा शुक्राना तो करो। तो इन्होंने कहा थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो एक बार मैं वैलेंटाइन डे का सत्संग गुरु जी को, मैंने बहुत से गुरु जी के दर्शन किए हैं और जो भी दर्शन गुरु जी ने करवाए वो सब गुरु जी को पता था। और जब संगत में जब गुरु जी खड़े होते कहते थे मुझे चल सत्संग सुना, और मैं अपने सत्संग सुनाने लगती थी, कई बार कुछ भूल भी जाती थी, तो गुरु जी कहते थे ओ वाला सुना, ओ वाला सुना, ओ वाला सुना। तो उनको सब याद रहता था, तो जैसे जैसे उनकी आज्ञा होती थी मैं वही सत्संग सुनाने लगती थी। बस संगत जी, हमें वो शब्द है ना, उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। बस हमें उठते बैठते सोते जागते गुरु जी को याद करना है। गुरु जी ने कहा है कि बस उठते बैठते सोते जागते मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। कितना सरल बना दिया हमारी जिंदगी को गुरु जी ने, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस प्यार से उनको याद करना है और अच्छे काम करने हैं, अपने को बुराई से बचाना है। गुरु जी कहते थे जो भी कष्ट आता है वो तो मैं 90% अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही तुम लोग भुगतते हो। सोचिए संगत जी, अगर 100% भुगतना होता तो हमारी क्या हालत हो जाती। कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु, कहाँ मिलेगा ऐसा रब। बहुत भाग्यशाली सचमुच कहती हूँ मैं, आज पूरा दुनिया में गुरु जी की खुशबू है, गुरु जी के दीवाने हैं, गुरु जी के परवाने हैं। कौन सी जगह नहीं है जहाँ गुरु जी का सत्संग नहीं होता, जहाँ गुरु जी का परिवार नहीं रहता। मैं भी जब फिलीपींस आई थी तो मैं यहाँ सोचती थी कि यहाँ कहीं गुरु जी का सत्संग होता है कि नहीं होता है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। तो बहुत इच्छा थी, लेकिन 5-6 महीने रह के जब मैं इंडिया गई तो जुलाई में, मेरे गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे होता है, मेरे बेटे का फोन आया, मम्मा 7 जुलाई को गुरु जी का ना यहाँ पे सत्संग है। मैंने कहा फिलीपींस में, मनीला में? कहता हाँ मम्मा, हमें फोन आया है और हमें कहा है कि गुरु जी के सत्संग में आओ। मैं तो इंडिया में थी, मैं नहीं जा पाई थी। मेरा बेटा और बहू गए थे सत्संग में पहली बार मनीला में गुरु जी के, और मेरे बेटे को कहा गया कि आप अपना सत्संग सुनाओ। मेरे बेटे ने कहा कि आप, मुझे तो कुछ ज्यादा सत्संग करना आता नहीं है, जो मम्मी से सुना है
जैसा मम्मी ने कहा है वही बातें उन्होंने उसने थोड़ी सी बताई अपने सत्संग में, और मैं इंडिया में बैठे बैठे गुरु जी का शुक्राना कर रही थी। मैंने कहा दाता तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है कि जितना भी शुक्राना करे वो कम है। और उसके बाद जब मैं वापस फिलीपींस आई तो शिव अंकल आए थे यहाँ पे, तब हमें वहां पे गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, उनके दर्शन करने के भी मौके मिले, और उनकी बातें उनका सत्संग सुन के जो गुरु जी के साथ बचपन से रहे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा गुरु जी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बचपन की बातें, फिर बड़े होके उनकी बातें। सचमुच जब भी गुरु का सत्संग सुनने को मिल जाए, गुरु जी की महिमा का गुणगान करने को मिल जाए तो रोम रोम कह उठता है थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी एक बार मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि सत्संग करती हूँ, हर कई बार मैंने ऐसे बोला भी कहा भी है कि एकदम से ना ब्लैंक सा हो जाता है, तो समझ नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं। फिर गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ गुरुजी बता दीजिए क्या बोलना है। एक बार एक अंकल कहते कि जब वो जाने लगे तो कहते कि गुरुजी की जो खुशबू थी ना मुझे लगता था कि गुरुजी ऐसी कोई परफ्यूम जरूर लगाते होंगे, और मैं चाहता था कि कभी गुरुजी के कमरे में अगर मौका मिला सफाई करने का तो मैं जरूर देखूंगा। और सचमुच गुरुजी ने जलंधर में उनको बोला कि आज तू मेरे कमरे की सफाई कर, वो तो बड़े खुश हो गए, कहते आज तो मैं सारी अलमारियां भी खोल के देखूंगा जो जो ड्रॉर वॉर सब जहां, और देखूंगा कि परफ्यूम कौन सा है। कहते मैंने पूरा कमरा साफ किया, अलमारी भी खोली ड्रॉर भी खोले लेकिन कोई परफ्यूम नहीं मिली। सब जब सफाई करके आ गए नीचे बैठ गए चुपचाप से, गुरुजी कहते हाँ फिर परफ्यूम नहीं मिली कोई भी। कहते मैं इतना शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया। तो संगत जी इससे हमें बार बार यही पता चलता है कि गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। ये जो हम पे आज इतना सारी दुनिया में इतना कष्ट है कोविड के कारण, सारी दुनिया में जो परेशानी है, हमारे दाता से हम सब मिलजुल के हाथ जोड़ के अरदास करेंगे कि गुरुजी सबके दुख दर्द दूर करें, ये जो भी परेशानी आई है इस दुनिया में वो ही दूर कर सकते हैं और कोई है ही नहीं। तो इसलिए गुरुजी आपसे मैं भी आज इस सत्संग में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी चारों तरफ सुख शांति हो, खुशहाली हो, सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग्स मिले, जो भी जिसके कष्ट हैं वो दूर हों, और बस हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, बस तुम हाथ थामे रहना मेरे सदगुरु, हम कभी नहीं पूछेंगे कि जाना कहाँ है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी एक अभी आप जो वैलेंटाइन डे का सत्संग सुनाने लगे थे प्लीज वो भी शेयर कीजिए। जी अंकल जरूर जरूर। ये अंकल गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था ये सत्संग, हमेशा कहते थे तो वैलेंटाइन वाला सुना, वैलेंटाइन वाला सुना। संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत प्यार किया है और उनको पता है कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, संगत सारी ही उनको बहुत प्यार करती है। लेकिन गुरुजी ने एक तो मुझे कहा था तू ना मेरी मीरा आएगी, मैं कहती थी गुरुजी मीरा, गुरुजी मीरा तो बहुत महान थी, कृष्ण से उनका प्रेम सारी दुनिया जानती है गुरुजी, लेकिन आपने कहा है मुझे मीरा तो मैं मुझे बना देना, मैं आपकी मीरा बन जाऊंगी गुरुजी। प्यार वो प्यार जो मीरा बनने के लिए चाहिए, वो भक्ति वो प्रेम मेरे अंदर डाल देना मेरे दाता। और सचमुच
जब उन्होंने कहा है, प्यार से कई बार बोलते थे आओ मीरा आंटी आओ, तो दिल करता था मैं मर जाऊं, इतना प्यार है मेरे दाता, इतना प्यार है तुम्हारे अंदर। तो वैलेंटाइन का डे का डे था, उस दिन वेडनेसडे था, गुरु जी के मंदिर जाने का तो डे नहीं था, तो मैंने अपने घर के मंदिर में ही बैठ गई, दिया जलाया और गुरु जी की तस्वीर जो स्वरूप सामने था उसी से बात करने लगी। और मैंने कहा, और सच में जब गुरु जी से बात करती हूँ, गुरु जी के प्रेम में डूब जाती हूँ, तो ये आंखें खुद ब खुद बरसने लगती है। उस दिन भी मेरी दोनों आंखें ऐसे रोने लगी, ऐसे बरसने लगी गुरु जी को देख के। और रोते रोते मैंने कहा, गुरु जी आज वैलेंटाइन है, मेरे वैलेंटाइन तो आप ही हैं, आपसे बढ़कर तो किसी से प्यार किया ही नहीं गुरु जी, और आपके मिलने के बाद ही पता चला ये प्यार होता क्या है। हम तो ऊपर भी प्यार, दुनियावी प्यार चाहते हैं गुरु जी, ये जो आत्मा का प्यार होता है वो आपने आपको देख के पता चला है। मैंने कहा, गुरु जी वैलेंटाइन डे है मेरे पास, तुम तो, आज तो मैं देखे ना एक गुलाब भी नहीं लाई आपके लिए, सॉरी गुरु जी, लेकिन हाँ ये जो आंसू बह रहे हैं गुरु जी, यही आपके चरणों में मैं चढ़ाना चाहूंगी, इन्हें आप स्वीकार कर लीजिएगा। और गुरु जी लेकिन मैं ये भी देखूंगी कि आप मुझे वैलेंटाइन डे पे क्या देते हैं, आपकी तरफ से मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। तो गुरु जी ने, और बस उसके बाद मैं उठ गई, डिनर किया, सो गई। जब सोई तो गुरु जी ने दर्शन दिए, दर्शन में गुरु जी ने, मैंने देखा मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, तो गुरु जी ने इशारे से मुझे बुलाया, वो एक उंगली का इशारा जो करते थे उससे उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गई, उनके गले में ना पिंक रोजेस शेडेड, नीचे से वो डार्क कलर के थे ऊपर से लाइट कलर के पिंक कलर, वो बहुत सुंदर माला थी, वो उनके गले में थी, वो उतार के उन्होंने मेरे गले में डाल दी, और बस इतने ही दर्शन हुए। तो ये था वैलेंटाइन डे का गिफ्ट जो गुरुजी ने मुझे दिया। और ये दर्शन तो मैंने ही किए थे, मैंने किसी को बताए भी नहीं। जब नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी के पास गई, हाँ फिर वैलेंटाइन की गिफ्ट मिलिया, की दर्शन हुए, 10 सारियानू संगत नु 10 जरा। तो फिर संगत जी मैंने खड़े होके बताया गुरु सबको। तो ये था वैलेंटाइन डे का गिफ्ट और गुरुजी का दर्शन। बहुत दर्शन हुए हैं गुरुजी के, बहुत दर्शन हुए हैं। अभी मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए, गुरुजी बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए, इंतजार है, देखती हूँ कब गुरुजी दर्शन देते हैं।